महारानी। नारी अपने कर, अपने बल, अपने छल को प्रत्यारूप देने के लिए सब कर पाती है। तुम्हारे धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए महारानी सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, लेकिन ये साधारण वचन नहीं होगा महारानी। ए आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, ए पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, मलिक समुद्र में चाहे पहाड़ों में मगर जाए, हम वो नहीं जो बात से अपनी मुकर जाए। परमात्मा है सुन रहा, अनुचित नहीं होगा, ए कुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा, सौगंध सहित भावनी। ए सत्य कथन है, ए वीर प्रतिज्ञा है, छत्री का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात कर, मध्यस्थ मेरी बात करे राजभवन है, फिर साक्षी आकाश है, ए पृथ्वी है, पवन है, ए आग पहली बार, परम प्यारे नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध बेटा। महाराज मैं समझती थी तुम मेरे स्वामी हो। महारानी इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये दुनिया ही कसमों के सहारे चल रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या जहाँ कसमें होती हैं वहाँ कसमें भी होती हैं। महाराज तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रपालन करने वाले हो। महाराज वरदानों को मांगो मांगो। आए महाराज सुनो, प्राणपति प्राण रात वह थाती आज मांगती हूँ, और कौशल्या नंदन के बदले निज को राज चाहती हूँ। बड़ा प्रसन्न महारानी, हृदय गदगद हो गया। जो सारे संसार का भरण पोषण करने वाला है वह मेरी अयोध्या का भरण पोषण साधारण कर सकता है, लेकिन महारानी जेठ स्वामी सेवक लघु भ्राता अपने यहाँ की रीत है कि जो जेठा होता है उसे राजपाट दिया जाता है, लेकिन लोभ न राम ही राज्य कर, राम को इसका कोई लोभ नहीं है। बहुत भरत संतरी भरत को बहुत चाहता है, लेकिन मैं पर छोट विचार कर, करत रहो नृप नीत, मैं राजा की नीति कर रहा था, यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये वरदान हम तुम्हें प्रस्तुत करते हैं। एक वस्तु एक वस्तु एक महाराज, दूसरा जो प्रण है मेरा सो सुनकर कंपित मत होना, अतिशय विनय है इस परमात्मा। दूसरे मर मांगो कर जोगी, दूसरा वरदान आपसे हाथ जोड़ के मांगती हूँ, दूसरा जो प्रण है मेरा सो सुनकर कंपित मत होना, छत्री नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। ऐसा नहीं महाराज, दूसरे वरदान की बात सुनते ही आपके पैरों की जमीन खिसक जाए। अरे महारानी हम दशरथ राजा का तुमने स्वभाव अभी तक परखा नहीं, तीनपन हो गए। राजा दशरथ वो राजा दशरथ नहीं है कि जिसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाए। क्या कह रही हो महारानी, आज आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। महाराज रघुकुल रीत सदा चली आई, अरे प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ अपने प्राणों को निछावर कर सकता है, लेकिन अपने वचनों को नहीं पलट सकता महाराज। तुम्हारा दूसरा वरदान मैं आपसे हाथ जोड़ के मांगती हूँ, आप उसको अवश्य पूर्ण करना। राजा जो राम हो रहा था वह राजा नहीं उदासी हो, करगी से 14 वर्षों को तब से मंडल बनवासी हो, नहीं महाराज विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी माथे हाथे मोती दौलो चलो तन धन सोचे लाग चन सोचन। आए विधाता तूने क्या कर दिया, राजा दशरथ की मति को एक क्षण के लिए क्या हो गया था विधाता,
मोर बनो रथे सुर तर फूला भरत करन चिबो हते ओ समूला। ए महारानी तूने दूसरा वर मांग करके अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ सुधारी की गति को समझ बैठा जिसने मेरा सर्वस्व मुझसे दूर कर दिया। हाय विधाता अवधि उजारे कीन के कई तीन से अचल विपत के नहीं। महाराणे सब पुत्र पिता के है समान, जगती यह बात जानती है। हे राम भरत एक ही मुझे इसकी तू स्वयं साक्षी है। बरजो पहला मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार मुझे। हो भरत लाल के राज तिलक उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में वास करे फिर भी 14 वर्षों को इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझा नहीं रहस्य को। रानी ने राज भरत जी को पर और क्रूर व्यवहार न कर। हे राम गौसा दया पात्र तू उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूछ देता है बस पाँव पकड़ कर तेरे बस इतनी भी मानता है। तपसी बनकर निकल कहीं बस जाए प्रेमा धाम मेरा। मेरी बूढ़ी इन आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। महारानी मैं अपने राम को तपसी के भेद में नहीं देखना चाहता हूँ। महाराज अभी बड़ी बड़ी बात मान रहे थे आप, दो बार तो कोई चीज नहीं जितने चाहे सो ले लो। किसी का कर्जा देने में आप तो अपने आप से आंसू बहाने लगे। अपने आप को आप कह रहे थे कुलरी सलाह चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए। प्राण चले जाए लेकिन महाराज आपके बचन नहीं जा सकते हैं। महाराज मेरी बात सुने आप, दो वर्षों मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती। और पड़ गई रेत पत्थर में तो धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, हृदय दुखता है ना भाई पता है आप, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। उपाय है मेरे पास, बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम बस वही उपाय बताती हूँ। हमारा जो उपाय है बताओ बताओ महाराज। अब देश बात घर में ही है। आप अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हो। पुत्र का प्रेम है आपके पुत्र। अरे किसी का कर्जा देने में तुम तो अपनी आंखों से आंसू बहा रहे। महाराज अब देश बात घर में ही है, पंचों में अपमान नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं। हम आपके बीच की बात है, बस तुम अपने मुंह से ये कह दो दूंगा पिछला वरदान। क्या कह रही हो महारानी? महारानी मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिस दिन मर्द की आंखों से आंसू आते हैं तो समझो उसकी मृत्यु ही सुनिश्चित है। ये आंसू साधारण आंसू नहीं है। और क्या कह रही हो? झूठ बोल जाओ। महारानी आज राजा दशरथ की जीवनी दोहराए पर खड़ी हो गई है। और महारानी
जीवन में दुख दो ही बार होता है, जन्मत मरत दुसह दुख भर। क्या कह रही हो, झूठ बोल जाए। सुनो महाराज, अगर हाँ करूं तो जुदा राम होवे। आज दशरथ की जीवनी दोहराए पर खड़ी हो गई है। अगर हाँ करूं तो जुदा राम होवे, अगर ना करूं तो धर्म डिगमगाए, उधर राम जाए जाए, इधर जाए जाए। सागर है जिसके दुख से बहे आंसू, उसका दर्द को जाने इसका अंजाम क्या होगा ये तुमको क्या पता। अगर हाँ करूं तो जुदा राम होवे, उधर राम जाए ले जाए, जान जाए। और महारानी, चिंता चित्त में लगी कोखिला कर गई, तुम्हारा ही सहयोग है महाराज। हेलो, ये ज्ञान पद मुद्रा है हमारे भाई चंद्र प्रकाश खरे जी, दशरथ जी के सुंदर